अब एक बात हमारे बिरादर अभी आएंगे पढ़ने, जरूरी समझता हूँ बिरादर, हमारे नदीम सरवर साहब ने एक जुमला अगर बच्चों के लिए कह दिया, शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, ये हो गया वो हो गया, क्या हो गया भाई, जिक्र हुसैन करने आओ ना तो जिक्र करो, यही तो बात की थी बेचारे ने, जिसने 50 साल आजादारी की खिदमत की हो, मैं तो जानता हूं, मैं तो पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में मेरे जानते हैं आप, जहां जिंदगी में कोई आलिम नहीं पहुंचा, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि इस सफीर अज़ा का नौहा वहां पहुंचा हुआ है, वहां पहुंचा हुआ है, और इसके नौहे ने कितने लोगों को मुनकलिब किया, कितने लोगों को दरे अहले बैत पर लेके, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं भाई। एक आदमी ने अच्छी नसीहत की कि भाई मजलिस करने आओ, मातम करो, उसने मातम करो का था, मातम करने आए, टिकटॉक बनाने के लिए आए हो, फर्श अज़ा को तमाशा ना बनाओ, फर्श अज़ा आज़ादारी के लिए, शौक के लिए है, इस पर मातम करना ही अच्छा लगता है, जिसे शौक पूरे करने वो इमाम बारगाह से बाहर चला जाए, और फिर इस्लाह करने की बात करे तो लोग उसके पीछे लग गए सोशल मीडिया पर। बिल्कुल सही बात की, उस बात की हिमायत करता हूँ सरवर साहब की, बिल्कुल सही बात, अच्छी लगे नहीं लगे भैया, दो रोटी ज्यादा खा लीगा, हक बात की थी इसलिए तायद कर रहा हूं, हक बात है, हक बात करना इतना मुश्किल हो गया समाज में, तुम्हारी इस्लाह करने की अगर कोई बात करे ना, आराम से जाओ सोशल मीडिया पे शोर मचा दो, नहीं अजीजो याद रखो, याद रखो, इतना मत करो ऐसा काम, मैं जानता हूं कि आजादारी कहां तक पहुंचाई, खुदा की कसम मैं जानता हूं, जिस गांव देहात के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहां मैंने सरवर साहब के नौहों को बचते भी देखा, सुनते भी देखा, तो मत करो ऐसा काम कि एक आदमी इस्लाह की बात करता है फिर उसकी शख्सियत किरदार खुशी करते हो, कब तक करोगे काम, बस अभी तो यही तो अहले बैत के साथ हुआ था, खत्म कर दिया।